आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, संजू बाबा की एक यादगार फिल्म है। और क्या ही जबरदस्त ये फिल्म है, और इसके गाने तो कमाल के ही हैं। और ये नायक नहीं खलनायक हूँ मैं एक दोस्त ने हमें भेजा, और आपके लिए हाजिर है जी नायक नहीं खलनायक हूँ। जो लोग हमें रिकमेंड करते हैं, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं सजेशन पर हम वीडियो बनाएं, अपनी पसंद को हम बाद में रखते हैं। तो चलिए जी मिलकर देखते हैं और एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन तो प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। नफरत के लायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तबीयत तो रंगीन है पर तू मोहब्बत की तौहीन है। कुछ भी नहीं याद इसके सिवा, ना मैं किसी का न कोई मेरा। जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता मैं क्या और बस छीन ली, बस छीन ली, बस छीन ली। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं।
बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। अफसोस फिर भी अकेला है तू। बचपन ने लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी। सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, मेरी प्यास है, मेरी प्यास है। देखा था माने कभी प्यार से, अब मिल गई वो भी संसार से। मैं वो लुटेरा हूँ जो लुट गया, माँ का भी आंचल कहीं छूट गया। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। बल्लू बलराम ने कमाल कर दिया था इस फिल्म में, और बहुत ही सुपर डुपर हिट थी। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। और जब ये मूवी आई थी, यकीन करें हर लड़के ने ये बालों का स्टाइल जो संजय दत्त वाला बना लिया था, बालों का भी, और ये जो गाने के अंदर जो उनका जो लिबास है, बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की संजू बाबा को। संजू बाबा के एक अपना ही एरा था, एक अपना ही टाइम था। बल्कि जो बॉलीवुड में है ना, हर जो स्टार है उनका, उसका एक एक दौर रहा है। कभी आमिर, कभी सलमान, कभी शाहरुख, कभी अजय, कभी सनी, कभी संजू बाबा, ऐसे जितने भी सारे एक्टर्स हैं बहुत जबरदस्त। अमिताभ बच्चन का एक बड़ा दौर रहा, दिलीप कुमार साहब का एक दौर रहा, राजकुमार जी उनके हीरो हैं पुराने, वो उनका एक धर्मबाजी है। जितने कई जाए उनके तो लाजवाब फिल्में, क्योंकि हमारी जो फिल्में थी वो आपकी फिल्में हमारी ही थी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बनता नहीं था तो इसीलिए। लेकिन पहले बनता था, पहले जब इकट्ठे थे पार्टीशन से पहले, उस टाइम पे यहाँ पे भी फिल्में बनती थी और वहां पे भी फिल्में बनती थी। तब पाकिस्तान जो फिल्म इंडस्ट्री है स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी उसने भी ग्रोथ की, बड़ी जबरदस्त फिल्में उस टाइम पे आई। लेकिन बाद में पता नहीं सुल्तान राय साहब ने ऐसा गंडासा चलाया और सब फिल्मों के सारी उतार दिए और वहां से,
तो चले जी, एक तो मजाक की बात होगी लेकिन फिल्म कमाल की है जी, और साउंड फिर इसका एक एक सीन जो है ना वो बोर नहीं करता। ये वाला गाना जो लड़का जो है जो जवानी की तरफ जा रहा होता है उसका ये फेवरेट गाना होता था उस वक्त में, के नायक नहीं खलनायक हूं मैं, क्योंकि वो जवानी चल रही होती है और सारा जो एक नया जिंदगी के अंदर मोड़ आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें बेहतरीन फिल्म है और इस फिल्म के अंदर भी बहुत जबरदस्त जो है ना पैगाम है और ये सारी चीजें हैं कि आप देखें कि यही सारी चीजें अगर हम सीखना चाहें उसमें से कुछ हासिल करना चाहें तो बहुत बहुत बड़ा सफर। देखें जी, लाइफ का हर एक कदम इंसान के लिए लेसन होता है, सबक होता है, कुछ सीखते हैं कुछ नहीं सीखते हैं, उनकी लाइफ ऐसे ही गुजर जाती है। और यही हमारे साथ भी होता है कि हम जहां से कुछ अच्छी चीज लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहे तो नहीं लेते। लेकिन गाना कमाल का था, मजेदार था और आवाजें भी संजीव बाबा की एक्टिंग गाने की परफॉर्मेंस जो जैकी अशरफ साहब हैं, अशरफ हमारे वो जैकी श्रॉफ है लेकिन हम उसे कहते थे जैकी अशरफ, और हमारे यहाँ वो इस नाम से मशहूर था क्योंकि जो अशरफ है वो पाकिस्तान का एक नाम है, और क्योंकि जैकी अशरफ बड़ा ही हम इसका मजाक भी बनाते थे। और जैकी अशरफ क्या ही जबरदस्त, उनकी भी एक्टिंग कमाल थी, मधुरी तो फिर है ही लाजवाब, और ये गाना और ये फिल्म है। अब देखिए हम जितने भी गाने यहाँ पे देख रहे हैं ना, यकीन करें दोबारा से दिल करता है कि एक दफा फिर से उन फिल्मों को उन गानों को अपनी प्लेलिस्ट में शामिल किए जाएं, देखते जाएं और फिर रोजाना वही फिल्में अब दोबारा से। और बेगम परेशान होगी कि क्या इतनी पुरानी पुरानी फिल्में क्यों ढूंढ के लगती हैं तो मैंने कहा तुम्हें क्या पता, अब दोबारा से जो पुरानी यादें हैं उनको ताजा कर रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं कौन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।